What is up guys, और आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ Realme Buds 2 versus 242 versus Realme Buds 2 Neo। भाई काफ़ी डिमांड आ रही थी, काफ़ी डिमांड, सीरियसली भाई मज़ा आ गया इतनी डिमांड देख के। तो आज इस ईयरफोन्स को, तीनों ईयरफोन्स को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए, Realme Buds 2 Neo लेना चाहिए, Buds 242 लेना चाहिए या फिर Realme के Buds 2 लेना चाहिए। तो आपके जितने भी डाउट है इस तीनों ईयरफोन्स को लेके पूरा इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। पर आपका भी एक काम है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, और जो सब्सक्राइब है, जो लाल सब्सक्राइब दिखा हुआ है, उसको सब्सक्राइब को दबा के काला कर दो, और भाई हमारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो अगर अच्छी लगती है तो बस देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी में आपको टेस्टिंग दिखाता हूँ भाई, मैं ऐसा कुछ ऐसा पर्सनली खुद सुनूंगा और आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। आप लोग साउंड तीनों ईयरफोन्स का सुन लो एक के बाद एक, उसके बाद आगे की वर्डिंग चालू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपने साउंड सुन लिया, तो भाई सबसे बेस्ट साउंड अगर आप पूछोगे कि एक ही वर्ड में अगर मेरे को सबसे बेस्ट साउंड है तो बोट के 242 के लगते हैं। अभी काफ़ी जन मुझे अनोइंग होकर बोलेंगे कि Realme Buds 2 क्यों चूज़ नहीं किया, तो भाई Realme Buds 2 में आपको बेस बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन उसमें जो ट्रिबल है वो थोड़ा लाइटर साइड है, और जो वोकल है इतने क्लियर नहीं, जो मैंने लास्ट Realme Buds 2 Neo के साथ भी बताया था, वोकल नहीं स्टीरियो कम है सॉरी। तो भाई ये दोनों ईयरफोन्स को इसलिए मैंने चूज़ नहीं किया क्योंकि भाई Buds 242 में आपको बेस अच्छा मिलता है, ट्रिबल अच्छा मिलता है, वोकल अच्छी मिलती है, क्लैरिटी अच्छा मिलता है, सो इसलिए मैंने Buds के 242 चूज़ किया। अभी Realme Buds 2 Neo के साथ अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ तो Realme Buds 2 में आपको स्टीरियो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, जो मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था, लेकिन भाई कुछ कुछ जगह पे ये मार खाता है, जैसे कि मैंने वोकल में बोला था ये मार खाता है, तो वोकल इसके क्लियर नहीं है दोस्तों, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आपको एक साउंड ही सुनना है सिर्फ म्यूजिक के लिए पर्सनली, अगर आप ईयरफोन्स देख रहे हो तो आपको Buds 242 ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप एक पंचियर साइड बेस वाले ईयरफोन्स देख रहे हो तो आपको Realme के Buds 2 लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई ऑल इन ऑल अगर मैं कंक्लूजन बोलूँ म्यूजिक को कैटेगरी को लेके, अगर मैं ऑलराउंडर बोलूँ तो Buds के 242 को बोलूँगा, और अगर मेरे को बेस पंची बेस चाहिए और अच्छी क्वालिटी चाहिए तो मैं चूज़ करूँगा Realme Buds 2। तो क्वालिटी की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्वालिटी की छोटी सी झलक आपको दिखा देता हूँ। तो Realme Buds 2 में आपको ब्रेडेड केबल देखने मिलते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल्स देखने मिलते हैं, 3.5mm जैक आपको सिल्वर प्लेटेड देखने मिलता है, जो टिप्स है वो मैग्नेटिक देखने मिलता है, टैंगल फ्री केबल का ऑर्गेनाइजर भी देखने मिल जाता है, और जो माइक की पोजीशनिंग है वो मुंह के सामने रहती है। तो ऑल इन ऑल सबसे बेस्ट क्वालिटी की अगर आपको ईयरफोन चाहिए वो आपको मिलेगा Realme Buds 2 में, आपको बाकी कोई भी ईयरफोन्स को देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, Buds के 242 की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है क्योंकि डबल साइड ब्रेडेड केबल है, IPX की रेटिंग मिलती है, जो इसकी डिज़ाइन है बहुत अच्छी है, फिन वाली आपको डिज़ाइन मिलती है, तो आप वर्कआउट भी कर सकते हो। जो आपको 3.5 जैक मिलता है वो सिल्वर प्लेटेड का मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जो इसकी माइक की पोजीशनिंग है वो भी मुके सामने, और इसके साथ भी आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स देखने मिलते हैं, क्लिप भी मिल जाता है, तो इसमें ऑर्गेनाइजर एक मिसिंग है। तो भाई मेरे हिसाब से अगर बोट आपको लेना है तो आप ले सकते हो, नो डाउट, लेकिन अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए वायर के अंदर और बिल्ड क्वालिटी, तो आप Realme Buds 2 के साथ जाओ। मैं Realme Buds 2 Neo को इसके अंदर कंपेयर ही नहीं कर सकता क्योंकि भाई इन दोनों के सामने ये स्टैंड ही नहीं होता, तो Realme Buds 2 Neo तो भूल ही जाओ कि मैं इन दोनों ईयरफोन्स के क्वालिटी के सामने खड़ा करूंगा। तो गाइस शायद आपका डाउट क्लियर हो चुका है, अभी बात कर लेते हैं माइक क्वालिटी। तो माइक क्वालिटी तीनों ईयरफोन्स की सुन लो, उसके बाद आगे की बात करते हैं। अगर जो अभी आप साउंड सुन रहे हैं अपने Realme Buds 2 से सुन रहे हो, इसकी आपको माइक की क्वालिटी कैसी लग रही है मुझे जरूर बताना कमेंट करके। सो गाइस, जो अभी आप साउंड सुन रहे हो ए Realme के Buds 2 Neo से सुन रहे हो, इसकी आपको माइक की क्वालिटी कैसे लग रही है मुझे जरूर बताना कमेंट करके दोस्तों। गाइस, अभी जो आप साउंड सुन रहे हो ये अपने बोट के 242 के साथ सुन रहे हो, आपको इसके साउंड की क्वालिटी कैसी लग रही है मुझे जरूर बताना कमेंट करके। सो गाइस, जैसे आपने इसकी माइक क्वालिटी भी सुन ली, तो माइक क्वालिटी मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट दो ईयरफोन्स की नहीं, तीनों ईयरफोन्स की बेस्ट है। एवरेज आपको तीनों ईयरफोन में बेस्ट मिलता है, लेकिन एक डिसअपॉइंटिंग पार्ट मुझे लगी कि जो Realme Buds 2 Neo है इसके अंदर आपको कोई भी वॉल्यूम कंट्रोल्स देखने नहीं मिलता कि कभी कम ज़्यादा अगर आपको साउंड करना है अपने लिए पर्सनली, तो भाई आपको ये चीज़ स्किप करना पड़ेगा। और 499 के हिसाब से मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत किया है Realme ने।
आपको अगर वॉल्यूम कंट्रोल मुंह के सामने ही चाहिए, हाथ में ही चाहिए, तो आप Realme Buds 2 ले लो या बोट के 242 ले लो। आपको माइक क्वालिटी भी मतलब तीनों की ही सेम है, लेकिन अगर आपको फीचर्स ज़्यादा अच्छी है तो ये दोनों ईयरफोन्स को आप चूज़ कर सकते हो। बाकी माइक क्वालिटी की एवरेज क्वालिटी सबकी ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अभी बहुत सारे जन के सवाल एक ही होते हैं कि लॉन्ग टर्म क्लासेस के लिए कौन सी ईयरफोन्स अच्छे रहेंगे, तीन तीन छः छः घंटे अगर मैं ईयरफोन्स यूज़ करता तो कौन सा अच्छा रहेगा। तो उसके लिए आपको Realme Buds 2 लेना चाहिए, क्योंकि इसकी जो फिट है कंफर्टेबल फिट है, कंटिन्यूस आप रख सकते हो, गेमिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, माइक भी आपके सामने मिल जाता है। तो ऑल इन ऑल इसमें भी मैं बोलूँगा Realme Buds 2 को आपको चूज़ करना चाहिए। अगर आप घंटों घंटों पर क्लासेस अटेंड करते हो तो शायद इसका भी डाउट आपके मन में क्लियर हो चुका है। नहीं हुआ है कमेंट करके बताओ कि आपके मन में अभी कौन सा डाउट बचा है, मेरे सबसे क्लियर हो चुका है। अभी बात कर लेते हैं गेमिंग टेस्ट की, पबजी टेस्ट इसमें सबसे बेस्ट किसके साथ हमको देखने मिलता है। सो गाइज, गेमिंग टेस्ट आपने देखा, तो गेमिंग टेस्ट वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग टेस्ट अगर मैं बोलूंगा तो भाई बोट 242, उसके बाद Realme Buds 2 Neo, फिर Realme Buds 2। अभी क्यों ऐसा? क्योंकि Realme Buds 2 Neo में आपको स्टीरियो बहुत ही अच्छा मिलता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो एनिमी के फुटस्टेप है बहुत अच्छे से काउंट होते हैं, जो फिटिंग है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, और जो क्वालिटी है थोड़ा आपको उस पर मार करना पड़ेगा और फीचर्स में थोड़ा मार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पर्सनली गेमिंग के लिए कोई ईयरफोन्स देख रहे हो जो आपको एकदम परफेक्ट एकदम दे, लेकिन आप म्यूज़िक आपको नहीं चाहिए, आपको माइक इतनी डिसेंट नहीं चाहिए, लेकिन आपको गेमिंग का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चाहिए, माइक भी डिसेंट मिल जाती है, सिर्फ वॉल्यूम कंट्रोल्स नहीं है, लेकिन अगर आपको एकदम गेमिंग परफेक्ट करना है तो आप Realme के Buds 2 Neo को चूज़ कर सकते हो। अगर नहीं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप 100% गेमिंग भी करो, म्यूजिक भी करो और माइक भी बेस्ट चाहिए, तो भाई आग बन करके बोट्स के 242 ले लो, बहुत ही ज़बरदस्त ईयरफोन से। इसलिए मैं इसको ऑलराउंडर बोलता हूँ, क्योंकि इसकी साउंड किलर है, माइक किलर है, फिर गेमिंग टेस्ट एकदम किलर है, मतलब इसमें ऑलराउंडर मिलता है। लेकिन आपको अगर बोट के ब्रांड के साथ नहीं जाना है, और यही एक ऐसे ईयरफोन्स है जिसके साथ आपको एक साल की वारंटी मिलती है दोस्तों, बाकी सब ईयरफोन्स के साथ आपको सिर्फ 6 महीने की वारंटी मिलती है। और इस ईयरफोन्स की क्या खासियत है, इसमें आपको IPX की रेटिंग मिलती है, जिसमें आप जिमिंग एंड स्वेटिंग वेटिंग में भी इसको कुछ इशू नहीं आएगा। अगर बारिश में भी आप कभी अगर यूज़ कर लेते हो तो भी इशू नहीं आएगा, लेकिन ये तीनों बाकी के दो ईयरफोन्स में ये सारे फीचर्स नहीं आते दोस्तों, तो ये चीज़ आपको नोटिस करने वाली होगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक ऑलराउंडर ईयरफोन चूज़ करना है तो बोट के 242 चूज़ करो। और आपको अगर म्यूज़िक के लिए चाहिए जिसमें बेस बहुत ज़्यादा अच्छा हो और आपको लॉन्ग टर्म ईयरफोन्स यूज़ करना है, तो आप Realme के Buds 2 चूज़ करो। मैं Realme के Buds 2 Neo किसी को भी रिफर नहीं करूँगा इस कैटेगरी में, इस प्राइस रेंज के अंदर। हाँ, ऑब्वियसली बात है, अगर इसकी प्राइसिंग 399 होती तो मैं भाई इसको कंपेयर कर सकता था अपने बोट के 152 के साथ, बोट के X1 के साथ, ये सारी ईयरफोन्स के साथ मैं इसको कंपेयर करके बोल सकता था ये काफ़ी अच्छी ईयरफोन्स है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसे अभी आपको नहीं कर सकता, जो भी है सजेशन। आपको अगर ऑलराउंडर चाहिए तो बोट की 242 ले लो, बाकी Realme Buds 2 इसके बाद कॉम्पिटिशन में है ही। तो मेरे हिसाब से आपके मन में जो भी डाउट था सब क्लियर हो चुका है। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो भाई कमेंट करो, #AskSachin करो, अपने जवाब को लिखो, बस इतना ही करना है और आपके जवाबों का सवाल आपको मिल जाएगा अगले वीडियोस में, और शॉर्ट आउट भी शायद मैं दे दूँ थोड़ा। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, छोटी सी वीडियो रखिए, सिंपल वीडियो रखिए, मेरे हिसाब से अच्छी लगी होगी आपको, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना दोस्तों। तो लाल बटन को ब्लैक कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल कर दो। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।